कभी शासनों से दूर चली गई, सीधी भंग है। सॉरी मैडम, प्लीज सॉरी। मैंने हमेशा तुम्हें वादा किया था तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा साथ निभाऊंगी मेरा। सॉरी मेरी तो जिंदगी मेरा साथ नहीं दे। जिस बच्चे के सपना हमने साथ में देखा, मैं तो उसे भी कोच में नहीं खिला पाऊंगी। मतलब सॉरी शब, ऐसा भी क्या काम आ गया कि तुमने सुबह 10 बजे मुझे यहाँ बुला लिया? तुम्हारी याद से बढ़कर कोई जरूरी काम हो सकता है? बस तुम्हारी याद आई तो तुम्हें बुला लिया। आओ बैठो। हाँ। सोच लिया है, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। जागृति को बताया तुमने? हम दोनों के बीच में उसे क्यों लेके आ रही हो? इस वक्त मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है और किसी से भी नहीं। ऋषभ, ये सब क्या कर रहे हो तुम? तो ऐसे घबरा रही जैसे तुम्हें पहली बार टच कर रहा हूं। जब एक बार हम एक हो ही चुके हैं तो हर्जी क्या है? ऋषभ, अब जो भी होगा वो शादी के बाद। यार सेजल, हम दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका है, तो अब शादी से पहले शादी के बाद क्या सोचना? यू लव मी राइट? तो फिर आओ, डोंट बी शाय। कुछ नहीं हुआ हमारे बीच और शादी से पहले होगा भी नहीं। दोनों ने मिलकर मेरे साथ गेम खेला? हाउ डेयर यू? हाउ डेयर यू सेजल? गेम हमने नहीं, तुमने खेला मेरे साथ। मैं तो पूरी तरह से फंस गया था तुम्हारे ट्रैप में। अपने आप को गिल्टी मान के जागृति के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे मैंने, बट यू नो व्हाट, इतना सब होने के बाद भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा और सच्चाई पता लगाने में मेरी हेल्प भी की। लेकिन तुम ऋषभ, आई एम सॉरी बट मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया था। आई लव यू ऋषभ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जागृति प्लीज इसे बोल दे यहां से चली जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, मुझे इसके चेहरे से भी नफरत हो चुकी है। ऋषभ प्लीज मेरी बात सुनो। ऋषभ मुझसे गलती हो गई बट मेरी बहन होने के नाते हो सकता है कि तुम मेरी बात ना मानो, लेकिन ऋषभ की होने वाली पत्नी होने के नाते तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। चली जाओ यहां से।
थैंक यू जागृति। कल पाठ का जन्मदिन है, क्यों ना हम उसके लिए एक खूबसूरत सी सरप्राइज पार्टी प्लान करें? बिल्कुल, इस बहाने घर में थोड़ी सी रौनक भी आ जाएगी। और पार्थ का जन्मदिन मनाए तो सही हो गया। उधर ये लोग पार्थ की खुशी के लिए उससे उसकी पार्टी छुपा रहे हैं, और उधर सर्जरी पार्थ की खुशी के लिए अपनी बीमारी छुपा रहे। पता नहीं क्या करने वाली है वो। खोटू नहीं कहो बापूजी, जलसे का जलसा दुगना तभी होता जब ये सब कुछ शौर्वरी वो करती। पर जवा दो, शौर्वरी ने तो पार्थ के साथ अपने रिश्ते को भी भुला दिया है, उसे कोई पड़ी नहीं है। और देखिए ना, सवेरे से पता नहीं सबको बिना बताए एकदम उड़नछू हो गई। और अपना फोन भी बंद करके रखा है। लो बोलो, उड़नछू उड़नछू नहीं हुई पुनिक। मेरा मतलब था कि वो उसने मेरे को बताया था, बताया नहीं था, वो क्या है ना कि मैंने उसको फोन पे बात करते हुए सुना था, वो उसकी पक्कम पक्की सहेली है ना, उससे मिलने गई है। वो क्या नाम था उसका? इशिता। हाँ हाँ हाँ, वो इशिता उसी के साथ ना मोल गई है। डैनी, मुझे तो लगता है कि शौर्वरी शॉपिंग अपने लिए नहीं बल्कि पार्थ के लिए करने गई होगी। जरूर उसके लिए कोई गिफ्ट खरीद के लाएगी वो। हाँ। किसी मजबूरी में माता जी, सब सच जानते हुए भी मैं इन लोगों को बता भी नहीं सकती कि सर्वरी सामान लेने नहीं बल्कि अपने इलाज के लिए गई है। चलिए, जब वो आएगी तब आएगी, तब तक क्यों ना हम भारत को वो कोई झटका देने वाली प्लानिंग करे। हाँ, इतने झटके तो दे चुकी हूँ। अब और क्या बाकी? शौर्वरी बहू, ये हो क्या गया है तुम्हें? तुम इसे इस तरह से बात कैसे कर रही हो? जो जिस लायक होता है उससे वैसे ही तो बात की जाती है। आप लोगों को तो अंदाजा भी नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। जब तक सच सामने आएगा तब सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा। शौर्वरी बहू अपने गुस्से में भूलती जा रही है कि बड़ों से कैसे पेश आना चाहिए। जवाब दो ने बापूजी, आप शौर्वरी बहू की बातों से अपना जी क्यों खट्टा कर रहे हैं? अब बड़ों का सम्मान करना तो दूर दूर की बात है, उसने तो पार्थ के साथ भी अपना रिश्ता भुला दिया है। देखा नहीं बा आपने कैसे खा लिया था इसकी? वो कोई गिफ्ट भी लेने नहीं गई थी। पता नहीं कहां गई थी। उस
सर्वरी ने मुझसे वादा नहीं लिया होता ना तो मैं आप लोगों को बता देती कि वो क्यों जानबूझकर आप लोगों से दूर होने की कोशिश कर रही है। अम्बे माता जी, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ना कर सको। दिखाओ ना कोई चमत्कार और सर्वरी की बीमारी को खत्म कर दो, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगी। तुम्हारे कपड़े कहाँ गए हैं? सूटकेस में। सूटकेस में क्यों? मैंने तो भी कुछ दिनों की मोहलत दी थी ना बात। तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो मेरा शक खत्म करने के लिए। आज नहीं तो कल तो मुझे जाना ही होगा ना। छोड़कर जाने की बात कर रही हूं। जिंदगी हो तुम मेरी, तुम हो तो मेरी सांसें हैं। और क्या हुआ है हमारे बीच में? एक छोटी सी गलतफहमी और उसके लिए तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे हमारे बीच में कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। और जो तुम चाह रही हो मैं वो कर रहा हूं, जो चाह रही हो वो कर रहा हूं। तुम चाहती हो मैं इस कमरे में ना रुकूं, मैं चला गया इस कमरे से। और भी कुछ चाहती हो तो कहो, मैं करने के लिए तैयार हूं, कर लूंगा मैं वो। लेकिन प्लीज शौर्य, प्लीज मुझे छोड़कर जाने की बात तुम सोचना भी मत। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई ना, कुछ नहीं पाऊंगा मैं। जुड़ा
सिसकियां ही सिसकियां है इस दिल से उस दिल का बर्थडे है ना वैलेंटाइन फिर इतना महंगा तोहफा किस खुशी में क्या ये खुशी कम है हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और खुश हैं जब कभी तुम्हें मेरी याद आए तुम्हें शीशे के सामने आ जाना ये स्माइली तुम्हें हमेशा याद दिलाते रहेगी कि तुम्हारी शॉर्बरी को तुम्हारे फेस पर स्माइल पसंद है उदासी नहीं सात दिनों के लिए एक निशानी इतना ही कंजूसी हर दिन के लिए निशानी दो तो कुछ बात बने हैप्पी बर्थडे बर्थडे